hello everyone uh, so in last lecture we were discussing about null hypothesis like types of hypothesis and uh, I have already discussed with you people the directional and non-directional hypothesis in this video I will be discussing the null hypothesis and alternative hypothesis so basically what is null hypothesis is a uh, it is first of all it is represented by H naught ये भी आपको याद रखना है और ऑल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस विच इजोस देर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स तो दिस इज अ स्टेटमेंट यू नीड टू रिमेंबर दैट नल हाइपोथेसिस इज समथिंग विच इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट्स फ्रेम्ड बाय आ रिसर्चर इन ऑर्डर टू गेट रिजेक्टेड तो एक जो रिसर्चर है वो हाइपोथेसिस बनाता है नल हाइपोथेसिस इसीलिए ही बनाता है ताकि वो उसको रिजेक्ट कर सके और आ, हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसको एक्सेप्ट कर सके सो बेसिकली दिस हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एज अ नेम सजेस्ट टू नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द

तो ये भी हाइपोथेसिस से रिलेटेड होते हैं अगर टाइप वन एरर होता है तो उसका मतलब है कि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन हमने हमने उसको आउट ऑफ मिस्टेक रिजेक्ट कर दिया। जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है तो वो टाइप वन एरर है और जब हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो टाइप टू एरर होता है जिसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं इस डायग्राम से समझेंगे लेकिन ट्रूथ ही और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये हमारा टाइप वन एर हुआ इसको हम एल्फा एर भी बोलते हैं ऑन द अदर हैंड हमारी एच नॉट दैट इज नाइपोथेसिस फॉल्स थी लेकिन हमने उसको क्या किया उसको एक्सेप्ट कर लिया false hypothesis को तो ये हमारा हुआ हुआ ये type 2 है यहाँ पे 2 आएगा तो इसको हम बीटा एरर भी बोलते हैं और अगर हमारी नल फॉल्स थी और हमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो ये हमारा करेक्ट डिसीजन हो गया तो दीज आर टू आपके पेपर में पूछे जाते हैं Now, हमने जो रिसर्च के स्टेप्स हम पढ़ रहे हैं तो हम अभी तीन स्टेप्स ऑलरेडी कर चुके थे अब हम करेंगे थर्ड स्टेप दैट इज रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन हम अब पढ़ेंगे तो रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या होता है रिसर्च डिजाइन हम जैसे कि नाम बता रहा है हम एक डिजाइन बनाएंगे कि कैसे कैसे हम अपने रिसर्च को परस्यू करने वाले हैं कैसे उसको हम मूव कराने वाले हैं दिस इज अ काइंड ऑफ फॉर्मेट एंड इन दिस फॉर्म एट वी आर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड की हम कौन सी कौन सी रिसर्चेस होती है क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव ये सारे रिसर्चे हमारे पास होते हैं तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि वॉट मैथड ऑफ रिसर्च वी आर गोइंग टू परस्यू कौन सा मैथड हम लेंगे के स्टडी मैथड लेंगे हम अपनी रिसर्च के लिए कोहर्ट स्टडीज करेंगे या फिर हम फोकस ग्रुप देखेंगे तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं और लॉन्गिट्यूनल काइंड ऑफ स्टडी वी आर गोइंग टू डू और क्रॉसेशनल काइंड ऑफ स्टडी वी आर गोइंग टू डू ये सब पे आता है। तो रिसर्च डिजाइन में तो यहाँ पे ये तो ठीक है सब कुछ लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है सैंपलिंग सैंपलिंग तो क्या होता है और सैंपल क्या होता है सैंपलिंग फ्रेम क्या होता है और टाइप्स ऑफ सैंपलिंग क्या होती है ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले सैंपल क्या होता है ये जानना जरूरी है तो एक हमारी पॉपुलेशन है ये हमारी पॉपुलेशन है इसमें हमारे पास थाउजेंड लोग हैं थाउजेंड लोग हैं ठीक है थीके? और हमें अपनी स्टडी कंडक्ट करानी है थाउजेंड नहीं हम इसको लेंगे अः टेन थाउजेंड लोग हैं हमारे पास ठीक है टेन थाउजेंड लोग हैं तो हम नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि एक एक बंदे से जाके हम डेटा कलेक्ट करें और एक एक बंदे को हम स्टडी करें Okay, तो हम उसमें से एक सैंपल डिराइव करते हैं इस पॉपुलेशन में से में से हम एक डिराइव करते हैं और इस सैंपल में हमने सिर्फ लिए हैं हंड्रेड लोग तो बेसिकली सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंप्लीट पॉपुलेशन कंप्लीट पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको स्टडी करके हम कंप्लीट पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता करते हैं ठीक है हम अ

तो ये आपको अब आप समझ में आ गया होगा सैंपलिंग क्या होता है ये जो सैंपल ड्राइव करने का एक प्रोसेस है इसी को सैंपलिंग बोलते हैं द द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग टू गेट डिराइव अ सैंपल फ्रॉम अ कंप्लीट पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपलिंग इसकी डेफिनेशन ये रीड कर सकते हैं आप ये एक फ्लो डायग्राम है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक पॉपुलेशन थी जहां पे कि सारे यूनिट्स थी हमारे इंटरेस्ट की जितने भी लोग थे फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम जिसमें कि सारे बच्चे हैं हमारे इंटरेस्ट के अब सारे हर एक क्लासरूम को स्टडी करना एक स्कूल में इज नॉट पॉसिबल तो उसमें से हम एक सैम्पलिंग फ्रेम लेंगे सैंपलिंग फ्रेम मतलब कि हम उसमें से अपने सैंपल को निकाल लेंगे ओके सो बेसिकली सैंपलिंग फ्रेम की भी मैंने डेफिनेशन इंक्लूड की है तो अब सैंपल में हमने क्या किया है हमने अपनी जो स्मॉल अलग कर yeah, ली है ओके okay. अब सैम्पलिंग फ्रेम में से भी हम अ, स, जो हमने सैंपल निकाला उसमें से हम सैंपलिंग फ्रेम निकालते हैं अब सैंपलिंग फ्रेम क्या है सैंपलिंग फ्रेम होगा कि कुछ ऐसी भी सैंपल में कुछ ऐसी यूनिट्स आई होंगी जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव होंगी अब वो बहुत सारे रीजन से नॉन रिस्पॉन्सिव हो सकती है देर सो मेनी रीजन तो उनको हम निकाल देंगे तो जो बाकी बचा जो हमारे हमारे रिस्पॉन्स के लिए रेडी है जो हमें रिस्पॉन्ड करेंगे तो उनको हम फिर सैंपल में लेके आते हैं सैंपलिंग फ्रेम में लेके आते हैं ठीक है और ऐसे ही हम ग्रॉस सैंपल और उसके बाद नेट सैंपल निकाल लेते हैं ये सैम्पलिंग डिजाइन का एक प्रोसेस है तो पहले हम सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे अपनी फिर हम सैम्पलिंग फ्रेम निकालेंगे फिर हम सैम्पलिंग टेक्निक लगाएंगे अब ये सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती है मैं भी आपको बताऊंगी फिर हम डिटरमाइन करेंगे अपना सैंपल साइज इसके लिए कुछ फॉर्मुलाज होते हैं इसके दो मेथड्स होते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो ये इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद अपने सैम्पलिंग प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं

मतलब क्यों नहीं होता ये सैंपल फ्रेम हमारा पूरा सैंपल क्योंकि बहुत सारी नॉन रिस्पॉन्सिव यूनिट्स होती हैं जिनको हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है उसके बाद हमारा प्रॉपर सैंपल आता है तो ये इसका एक एग्जाम्पल है वुड अ यूनिवर्सिटी मेल डायरेक्टरी प्रोवाइड अक्यूरेट सैंपलिंग फ्रेम फॉर अ गिवन यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन अगर हमें एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ऊपर कोई स्टडी करनी है तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हमारी पॉपुलेशन हो गए उसमें से हम सैंपल uh, ले रहे हैं कुछ तो उस सैंपल में हमने सैम्पलिंग फ्रेम दिया लेकिन क्या ये हमारा एक्यूरेट सैंपल हो सकता है पूरे जो यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हमने वहां से लिए हैं नो एक्चुअली नो नॉट यूनिवर्सिटी की जो मेल डायरेक्टरी हमने ली है क्या वो हमारे लिए हमारा सैंपल हो सकता है नहीं हो सकता क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट्स हु रजिस्टर्ड लेट वो लोग उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे किसमें यूनिवर्सिटी की मेल डायरेक्टरी में और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे हु हैव रिजाइन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ओके सो न्यू एडमिशन जो आए हैं उनको हमने नहीं लिया और जो लोग ऑलरेडी जा चुके हैं उनको हमने नहीं निकाला है मेल डायरेक्टरी में से तो इसीलिए हमें सैंपलिंग फ्रेम में से कुछ नॉन रिस्पॉन्सिव यूनिट्स को माइनस करके सैंपल निकालना होता है

अगर हम सबको इक्वल चांस नहीं दे रहे हैं हम बाइसनेस लेके आ रहे हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है जैसे यहाँ पे लिखा है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी और एवरी पॉपुलेशन चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड मतलब ईच एन एवरी यूनिट नॉट एवरी पॉपुलेशन बट एवरी यूनिट यहाँ पे यूनिट आएगा एवरी यूनिट सिलेक्टेड ठीक है तो यहाँ पे हर एक यूनिट को इक्वल चांस मिलता है लेकिन यहाँ पे बाइसनेस आ जाती है यहाँ पे हर, हम अपनी कन्वीनियंस से और अपने जजमेंट से तो हम आ, क्या करते हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकलीस आती है और सारे जो यूनिट्स हैं उनको इक्वल चांस नहीं मिलता वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे तो इसको सब डिवाइड अगर हम करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में चार तरह की सैंपलिंग हम रीड करेंगे पहला है कन्वीनियंस दूसरा है जजमेंट थर्ड इज कोटा फोर्थ इज स्नो और रेफरल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगेन हम चार तरह की स्टडीज देखेंगे पहला है चार पांच लिखा है लेकिन एक्चुअल में अदर टाइप सैम्पलिंग टेक्निक्स हम यहाँ नहीं देख रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे सिंपल रैंडम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग एक मल्टी स्टेज सैंपलिंग होती है ओके okay, तो वो इंक्लूड की है मैंने ओके सो सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है हम अभी क्या देख रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ सैंपलिंग देख रहे हैं ठीक है तो सिंपल रैंडम वही के equal chance दी हमने हमने एक population में से ऐसे ही हमने probability के बेस पे एक box में बहुत सारे balls है, red, black, yellow, सारे हैं के के और हमने probability के बेस पे बस उन्हें उनमें से बॉल को ऐसे ही रैंडमली निकाल लिया और डिपेंडिंग ऑन द है तो इसके दो मैथर्स यहाँ लिखे हुए हैं पहला है लॉटरी दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स तो ये सभी को पता होगा कि लॉटरी हम ऐसे ही रैंडमली किसी के भी लॉटरी मेथड्स को हम बोलते हैं तो देखिए टेन स्टूडेंट्स टू बी ड्रॉन आउट ऑफ लिस्ट ऑफ फिफ्टी तो ऐसे ही रैंडमली आपने सिलेक्शन कर लिया कोई नहीं थी कोई क्राइटेरिया नहीं फॉलो किया है आपने सिर्फ ऐसे ही रैंडम uh, को रैंडमनेस को बेस बनाते हुए प्रोबेबिलिटी को बेस बनाते हुए सिलेक्शन किया दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर दैट इज 50 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 500 500 लोगों में से आपने 50 लोगों को सेलेक्ट किया है ओके नाउ सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होती है कि आपने एक पॉपुलेशन को सब डिवाइड कर दिया ये एक पूरी पॉपुलेशन थी आपकी उसको आपने होमोजेनियस ग्रुप में ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे होमोजेनियस ग्रुप होमोजेनियस ग्रुप में मतलब इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आपने इस पॉपुलेशन में से आपने सब डिविजन निकाले हैं होमोजीनियस हैं जो नेचर में जो कि होमोजीनियस है नेचर में ये वाला जो एक ग्रुप होगा इसको हम स्ट्राटा बोलेंगे इसको भी हम स्ट्राटा बोलेंगे ये दोनों स्ट्राटास एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम है जिस तरीके के लोग इसमें है जिस तरह की यूनिट्स नॉट लोग बट एक्चुअली यूनिट्स उसी तरीके की यूनिट्स यहाँ पे भी हैं सेम ओके सो होमोजेनिटी इज देयर बिटवीन दिस एंड दिस अंदर इनमें अंदर वाले जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ होमोजेनियस है या नहीं है हमें नहीं पता लेकिन एक स्ट्राटा दूसरे स्ट्राटा के साथ होमोजेनियस है एंड फ्रॉम ईच स्ट्रैटम आप अब रैंडम सैंपलिंग करोगे अब यहां से आप रैंडमली लोगों को उठा लोगे तो ये भी क्या हुआ इक्वल चांस दिया है आपने सभी को नाउ सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या होती है जिसमें कि आप हर एनथ पर्सन को करते हो आपने दो को छोड़ा थर्ड को सिलेक्ट कर लिया फिर दो को छोड़ा फिर थर्ड को सिलेक्ट कर लिया फिर दो को छोड़ा फिर आप थर्ड को सिलेक्ट कर लोगे सो दिस वे यू आर सिलेक्टिंग दी लाइक एवरी एनिथ यूनिट और के होता है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग सिस्टमैटिक तरीके से आपने हर एनिथ पर्सन